तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ फ्रेजर वर्ब्स देखेंगे। फ्रेजर वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि फ्रेजर वर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट के रूप में आ जाएंगे, या फिर कॉमन एरर्स के रूप में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो फ्रेजर वर्ब देखेंगे वो बी वर्ड से रिलेटेड फ्रेजर वर्ब देखेंगे। बी वर्ड से कौन कौन सी फ्रेजर वर्ब्स बन सकती हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो देखेंगे। तो पहले जो हमारी फ्रेजर वर्ब है वो बैक ऑफ है। बैक ऑफ क्या होता है? बैक ऑफ मीन्स टू रिट्रीट। टू रिट्रीट मीन्स होता है, टू रिट्रीट मीन्स क्या होता है? पीछे हट जाना, यानी किसी चीज से पीछे हट जाना। सो बैक ऑफ मीन्स क्या होता है? पीछे हट जाना, किसी चीज से पीछे हट जाना, यानी दावा छोड़ देना, किसी चीज का दावा छोड़ देना, या ये भी इसका अर्थ होता है दावा छोड़ देना। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये क्लेम किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो बैक आउट बैक ऑफ कर गया, मीन्स रिट्रीट कर गया, इस क्लेम से वो क्या कर गया, पीछे हट गया, यानी दावा छोड़ दिया उसने। तो बैक ऑफ मीन्स क्या होता है? टू रिट्रीट होता है, मीन्स पीछे हट जाना या दावा छोड़ देना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम्स ऑन दी प्रॉपर्टी, यानी लास्ट में उसने क्या किया, प्रॉपर्टी पे क्लेम से क्या गया, पीछे हट गया, यानी उसको दावा छोड़ दिया उसने प्रॉपर्टी से। तो बैक ऑफ मीन्स क्या होता है? टू रिट्रीट होता है, पीछे हट जाना या दावा छोड़ देना। अगली जो हमारी फ्रेजर वर्ब है वो बैक आउट। देखिए काफी फेमस फ्रेजर वर्ब है। बैक आउट मीन्स होता है पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, या इसका सबसे फेमस अर्थ होता है वादे से मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। देखिए बैकआउट मीन्स क्या होता है? वादे से मुकर जाना, मीन्स टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, यानी सपोज कीजिए किसी कार्य के कंप्लीट होने से पहले ही क्या करते हैं, पीछे हट जाना, यानी वादे से मुकर गया। उसने पहले तो प्रोमिस किया कि भाई ये काम दोनों साथ साथ करेंगे, लेकिन एन वक्त पे कार्य कंप्लीट होने से पहले उसने कह दिया कि भाई मैं तो इस काम को पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं तो अपने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करूंगा। मीन्स वो क्या किया, उसने वादे से मुकर गया, उसने पहले वादा किया उसके बाद मुकर गया। तो बैकआउट मीन्स क्या होता है? वादे से मुकर जाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रोमिस, यानी आपको अपने प्रोमिस से बैक आउट नहीं करना चाहिए, आपको अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, वादे से मुकरना नहीं चाहिए। देखिए अगली हमारी जो फ्रेजर वर्ब है वो बैकअप है। ये वर्ड तो आपको पता ही, जाना पहचाना वर्ड है, अक्सर हम यूज करते हैं। बैकअप मीन्स क्या होता है? टू सपोर्ट, यानी किस चीज का क्या करना, समर्थन करना, समर्थन करना, यानी किसी चीज को अगर हम समर्थन करना हो, किसी चीज के पक्ष में बोलना होता है, उसको क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, उसको समर्थन करते हैं। जैसे देखिए आई नीडेड पावर बैकअप इन केस लाइट वेंट ऑफ, यानी मुझे पावर का क्या चाहिए, बैकअप चाहिए कि पता नहीं किस कब लाइट चली जाए, यानी उसको क्या चाहिए, पावर बैकअप चाहिए। बैकअप मीन क्या चाहिए, समर्थन करने वाला चाहिए, उसको सपोर्ट करने वाला चाहिए। सपोज कीजिए हम चार्ज लगाते हैं तो लाइट चली जाती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पावर बैंक यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, बैकअप होता है किसका, अगर लाइट चली गई तो इनकेस हम किससे चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक से हम चार्ज कर सकते हैं हमारे फोन को। तो बैकअप मीन्स क्या होता है कि समर्थन करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी लोग को सपोर्ट करना, किसी कानून को सपोर्ट करना, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना, वो क्या होता है, बैकअप करना होता है। देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैंक ऑन या काउंट ऑन, दोनों का सेम अर्थ होता है टू रिलाई ऑन। टू रिलाई ऑन मीन्स निर्भर करना, किसी पे निर्भर करना। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा आप, बैंक ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, यानी निर्भर करना के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, बैंक ऑन भी मीन्स होता है किसी पर निर्भर करना, किसी व्यक्ति पर निर्भर करना। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि वी रिलाई ऑन और फैमिली, हम अपनी फैमिली पे डिपेंड करते हैं, वी रिलाई ऑन, वी बैंक ऑन और फैमिली, वी काउंट ऑन और फैमिली, हम अपनी फैमिली पे क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो बैंक ऑन, काउंट ऑन और रिलाई ऑन का अर्थ क्या होता है, निर्भर करना। तो देखिए फ्रेंड्स अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स है वो है बियर डाउन। बियर डाउन मीन्स होता है टू थ्रो और क्रश बाय फोर्स, मीन्स किसी को क्या कर देना, परास्त कर देना, परास्त कर देना, या किसी को क्या कर देना, पराजित कर देना, पराजित कर देना, या किसी को हरा देना। तो बियर डाउन मीन्स क्या होता है,
किसी को परास्त कर देना, पराजित कर देना या फिर किसी को हरा देना। टू ओवर थ्रो और क्रश बाई फोर्स, यानी किसी को फोर्स से कुचल देना या उसको किसी को ओवर थ्रो कर देना, किसी को फेंक देना या परास्त कर देना। क्या मतलब होता है बियर डाउन का? देखिए, वी हैव टू बियर डाउन ओवर एनिमीज, हमें हमारे एनिमीज को क्या करना होता है, परास्त करना होता है। हमें हमारे एनिमीज को क्या करना होगा, परास्त करना होगा। तो बियर डाउन मीन क्या होगा, परास्त करना या पराजित करना। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब सब है बियर अपोन। देखिए, बियर अपोन मीन टू बी रिलेवेंट या फिर प्रासंगिक, किसी चीज के प्रति प्रासंगिक होना या से संबंधित होना। देखिए, विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस, बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस, क्या जो नया कानून बना है वो प्रासंगिक है किसके, किस संदर्भ में, आउटकम ऑफ द केस, केस के परिणाम लाने के संदर्भ में, क्या जो नया कानून बना है वो प्रासंगिक है, जो नया कानून बना है क्या वो जो केसेस है उनका आउटकम जल्दी ला सकता है, क्या उससे संबंधित है। तो बियर अपॉन मीन्स क्या होता है, टू बी रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट मीन्स होता है प्रासंगिक होता है, संबंधित होना, यानी किसी से प्रासंगिक होना या संबंधित होना। अरे जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है बियर आउट। बियर आउट मीन्स टू सपोर्ट द ट्रूथ, यानी किसी चीज का क्या है ना, समर्थन करना किसी चीज का, ताकि क्या है, क्या उसके ट्रूथ बाहर आ सके, सच्चाई बाहर आ सके। तो किसी चीज का समर्थन करने को हम क्या बोलेंगे, बियर आउट बोलेंगे, टू सपोर्ट द ट्रूथ। देखिए, दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, यानी दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग। बियर आउट मीन्स समर्थन करना, यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये समर्थन कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसकी है, आपकी है, यानी क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, जो आप इस बिल्डिंग पर क्लेम कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उसका क्या कर रहे हैं, उसका बियर आउट कर रहे हैं। मीन बियर आउट मीन्स क्या होगा, समर्थन कर रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हो उसको समर्थन कौन कर रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसकी है, आपकी है। तो बियर आउट मीन्स क्या होता है, समर्थन, किसी चीज का समर्थन करना या टू सपोर्ट द ट्रूथ, यानी सच्चाई को साबित करने के लिए हम क्या करना, बियर आउट करते हैं, यानी समर्थन करना होता है। तो बियर आउट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली हमारी जो फ्रेजल वर्ब्स है वो है बियर अप। बियर अप मीन्स क्या होता है, सहन करना। बियर अप मीन्स क्या होता है, सहन करना। टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, यानी जो परेशानी होती है, तनाव होता है, उससे क्या करना है, उसको सहन करना, क्या बोलते हैं हम, बियर अप बोलते हैं। बियर अप मीन्स क्या होता है, सहन करना या बर्दाश्त करना। तो एवरीवन हैज टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, यानी सबको कुछ ना कुछ क्या होता है, परेशानी को क्या होता है, सहन करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। तो बियर अप जो हमारी फ्रेज है इसका अर्थ क्या होगा, सहन करना। अगली जो हमारी फ्रेज है वो है बियर विद। देखिए, बियर विद क्या होता है, टू टॉलरेट विद समवन, यानी किसी को बर्दाश्त करना। टॉलरेट क्या होता है, बर्दाश्त करना। तो बियर विद यानी किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना को हम क्या बोलेंगे, बियर विद। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए, आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विद अस, यानी हमारा जो सर्वर है, इंटरनेट का जो हमारा सर्वर है वो क्या है, डाउन है, कम कर रहा है, तो कृपया करके हमारे साथ क्या कीजिए, तो क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम को आप बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सहन कीजिए, ठीक है। तो बियर विद क्या हो गया, बर्दाश्त करना हो गया। अगली जो हमारी फ्रेज है वो बॉइल डाउन टू। बॉइल डाउन टू मीन्स टू रिड्यूस टू इट इज एसेंशियल, मीन्स किसी छोटा करना या संक्षिप्त करना, छोटा करना, यानी किसी चीज को छोटा करना या संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना या संक्षिप्त करने को हम क्या बोलेंगे, बॉइल डाउन टू, यानी संक्षिप्त करना है, छोटा करना किसी चीज को। अभी जो हमारी फ्रेज है वो है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट मीन्स होता है टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होगा, फैलाना, यानी किसी चीज को फैलाने को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच आउट करना। कोई भी चीज है उसको हमें फैलाना है, इधर उधर भेजना है, तो उसको हम ब्रांच आउट करते हैं, उसको हम स्प्रेड करते हैं। तो ब्रांच आउट मीन्स होगा फैलाना। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए, वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट और बिजनेस सून, यानी हम शीघ्र ही क्या करने जा रहे हैं, अपने जो बिजनेस है उसको फैलाने जा रहे हैं। तो ब्रांच आउट मीन्स क्या होता है, स्प्रेड करना या फैलाना।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स है वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना। पर्टिकुलरली ये होता है किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देती है कोई मशीनरी, यानी कोई मशीनरी कुछ खराब हो जाती है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? टू स्टॉप वर्किंग, यानी मशीनरी के लिए हम यूज करते हैं। देखिए ब्रेक डाउन ऐसी फ्रेज है जिसका यूज है हम मशीनरी के लिए करते हैं और पर्सन के लिए करते हैं। जब मशीनरी के लिए इसका यूज करते हैं तो ये किस क्या देता है? काम करना बंद कर देना। जब पर्सन के लिए हम ब्रेक डाउन को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना, हौसला हार जाना। तो वहां पर हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। हौसला हार जाना, हिम्मत हार जाना या बीमार पड़ जाना, तो वहां पर हम क्या किस यूज में करेंगे? हौसला हार जाना, हिम्मत हार जाना के अर्थ में। और मशीनरी के अर्थ में क्या हम किस अर्थ में यूज करेंगे? काम करना बंद कर देना, जो स्टॉप वर्किंग। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जब बस है, यहाँ पर देखिए बस है वो ब्रोक डाउन हो गई, मीन्स वो खराब हो गई है, काम करना उसने बंद कर दिया है। ऑन द वे रस्ते में, सो आई कुड नॉट रीच दी स्टेशन ऑन टाइम, सो मैं स्टेशन पे टाइम पे नहीं पूछेगा, वो स्टेशन पे टाइम पे नहीं पूछेगा क्योंकि बस है वो ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन मीन्स काम करना बंद कर दिया, वो खराब हो गई रस्ते के अंदर। तो ब्रेक डाउन मीन्स क्या होगा? मशीनरी के अर्थ में क्या होगा? काम करना बंद कर देना, खराब हो जाना। पर्सन के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हौसला हार जाना, हिम्मत हार जाना। देखिए हम अक्सर सुनते हैं कि वो ब्रेक डाउन करने लग गया, मीन्स रोने लग गया एवर्स कंडीशन के अंदर, डिफिकल्ट कंडीशन में। तो वहां पर ब्रेक डाउन का होता है हिम्मत हार जाना, हौसला हार जाना। अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो ब्रेक फोर्थ है। देखिए ब्रेक फोर्थ मीन्स होता है टू कम टू व्यू, टू अपीयर सडनली, यानी अचानक अचानक उजागर होना। ब्रिंग फोर्थ मीन्स क्या होता है? अचानक उजागर होना या उत्पन्न होना बोलते हैं इसको, ठीक है? अचानक उजागर होना या उत्पन्न होना, ब्रिंग फोर्थ। यानी कोई व्यक्ति है वो सडनली क्या होता है? सडनली अपीयर हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्रिंग फोर्थ बोलेंगे। यानी वो अचानक उजागर हो गया, अचानक उत्पन्न हो गया। चोर्स माइट ब्रोक ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। यानी चोर्स मीन्स क्या हुआ? शोरगुल हंगामा, शोरगुल हंगामा, शोरगुल हंगामा माइट ब्रेक फोर्थ, यानी शोरगुल हंगामा शायद उत्पन्न हो जाए, उजागर हो जाए अगर पुलिस है वो असफल हो जाती है सिचुएशन को कंट्रोल करने में। अब देखिए मैंने जब आपको मॉडल्स पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि माइट जो मॉडल्स है वो हम कब यूज करते हैं? जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तो वो माइट का यूज करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये होगा कि पुलिस है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगी, चोर्स है शोरगुल हंगामा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माइट कंजक्शन यूज करने का। माइट होता है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी दर्शाता है, यानी माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर माइट है वो कम पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, मीन्स पुलिस है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगी और वहां पर चोर्स की जो कंडीशन है वो उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है? अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो ब्रेक इन ऑन है। इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन मीन्स होता है टू इंटरप्ट इन ए कन्वर्सेशन, यानी क्या बाधा डालना किसी चीज के अंदर, बाधा डालना या किसी कन्वर्जेशन के अंदर बाधा डालना, वार्तालाप के अंदर बाधा डालना। यानी द कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप बिटवीन अली एंड सोना वाज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन इट। ब्रेक इन ऑन मीन क्या हुआ? बाधा डाल दी। यानी अली और सोना के बीच क्या चल रही थी? बातचीत हो रही थी, उसी टाइम क्या हुआ? राहुल ने क्या किया? उनके बीच के बीच बाधा डाल दी, मीन्स वो आकर उनको डिस्टर्ब किया। तो ब्रेक इन ऑन मीन्स क्या होता है? टू इंटरप्ट करना किसी को या फिर बाधा डालना किसी कन्वर्जेशन के अंदर।